गणेशाय नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ देखिए आपसे विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का मैं थंबनेल बताऊँ या विषय बताऊँ उससे पूर्व आपसे निवेदन करूँ कि मेरी चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और जाते जाते नोटिफिकेशन में ऑल प्रेस कर देंगे तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो अभी जो मेरा देखिए मित्रों मैं आपसे जो वार्ता कर रहा हूँ वो चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि से देखिए लग्न राशि से भी देख सकते हैं और दोनों में से कोई नहीं पता आप तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो मित्रों अभी देखिए मैंने चर्चा कर चुका हूँ आपसे राहु के बारे में। अगर राहु आपको इस समय शुक्र के साथ मिलकर के या मीन राशि में राहु के पास शुक्र का प्रवेश हो जाएगा यानी राहु के घर में जो है मीन राशि में तो 2024 में पूरा 2024 समझ रही है जब तक शुक्र आएंगे राहु के पास या राहु की दृष्टि पड़ेगी शुक्र पर यानी जब राहु के पास शुक्र बैठे होंगे मीन राशि में तब या फिर राहु की पांचवी दृष्टि सातवीं दृष्टि और नवी दृष्टि जब जब पड़ेगी जो पूरी साल में यानी अभी से लेकर के ये समझ लीजिए करीब करीब 31 मार्च से लेकर के और 7 नवंबर तक ऐसा होगा कि राहु के पास या तो शुक्र होंगे या राहु की दृष्टि में शुक्र होंगे। तो राहु का शुक्र का मिलन यानी राहु दैत्य गुरु हैं सॉरी राहु दैत्य सेनापति हैं और शुक्र दैत्य गुरु हैं तो दैत्य गुरु और दैत्य सेनापति का मिलन जबकि राहु और शुक्र मित्र भी हैं और शुक्र राहु के गुरु भी हैं। तो अब देखिए ये पुकार पुकार कर कह रहे हैं धन के देवता हैं शुक्र काल पुरुष की कुंडली की द्वितीय भाव के स्वामी धन के स्वामी पुकार पुकार के कह रहे हैं कि आइए धन लीजिए हमसे धन लीजिए। कुछ राशियों को तो विशेष कहेंगे जहाँ ऐसे भाव में बैठे होंगे तो वो राशियाँ कौन कौन सी हैं जिनको राहु और शुक्र पुकार पुकार के धन दे रहे हैं धन लेकिन कैसे कहाँ और कब वही चर्चा मैं कर रहा हूँ। देखिए मैं अभी मेष राशि की चर्चा कर चुका था अब अगली राशि की चर्चा करूंगा। देखिए वो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि शुक्र की खुद की राशि है यानी शुक्र खुद धन धन के मालिक हैं और धन के मालिक की स्वामी धन के स्वामी की राशि शुक्र की जहाँ देखिए वृषभ राशि में 11वें भाव में राहु बैठे होंगे यानी लाभ के भाव में तो लाभ के भाव में तो राहु क्या कोई ग्रह हो शनि हो राहु हो शुक्र हो बुध हो मंगल हो सूर्य हो कोई भी हो लाभ के भाव में तो सारे ग्रह लाभ ही लाभ यानी धन ही धन देते हैं। तो राहु 11वें भाव में बैठकर वृषभ राशि के लिए धन लुटाएंगे धन का बहाव क्योंकि लाभ भाव में बैठे हुए हैं तो और शुक्र धन के मालिक हैं तो शुक्र जब जो है साथ साथ बैठे होंगे 11वें भाव में राहु के साथ तो शुक्र राहु दोनों मिलकर के वृषभ राशि को धन अपार धन देंगे मतलब कोई कमी नहीं रहेगी कब 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक। और देखिए बाद में जब राहु तो 11वें बैठे रहेंगे लेकिन शुक्र जब तीसरे भाव में आ जाएंगे यानी पराक्रम भाव में ये रहा 7 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तो इस टाइम 7 जुलाई से 31 अगस्त जब तीसरे भाव में पराक्रम भाव में शुक्र आ जाएंगे तो पराक्रम जितना परिश्रम करोगे राहु की पांचवी दृष्टि पड़ रही है धन मिलेगा यात्रा करोगे धन मिलेगा भाई बहनों से धन मिलेगा दोस्तों से धन मिलेगा सहायता मिलेगी। तो वृषभ राशि वालों अगला काल जबकि पांचवें भाव में शुक्र आ जाएंगे संतान के भाव में अब राहु की दृष्टि पड़ेगी पंचम 11वें भाव से तो ये देखिए लाभ भाव से संतान भाव पर संतान को तरक्की मिलेगी संतान को सुख मिलेगा संतान को देखिए शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा संतान को
एजुकेशन ही नहीं बल्कि नौकरी में, व्यापार में, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सबको, संतान को लाभ है, और शुक्र बैठे हैं, और शुक्र पर सुपंजम में तो देखिए प्रेम प्रसंग में सफलता। अगर कोई आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें प्रगाढ़ता आएगी और प्रेम विवाह हो सकता है। इसी इस दौरान 7 जुलाई से 31 जुलाई तक, और अगला टाइम देखिए 25 अगस्त से 18 सितंबर तक, 25 अगस्त से 18 सितंबर तक, मतलब 7वां, 7वें भाव में दृष्टि पड़ेगी। जब 7वीं दृष्टि पड़ेगी राहु की, कहाँ 5वें, 5वें भाव में तो बता दिया मैंने, तो 5वें भाव तो हो गया। अब जो है राहु बैठेंगे 11th में और शुक्र बैठेंगे 7th भाव में, यानी ये नवीं दृष्टि होगी। ये होगा देखिए 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक, तो टोटल 4 बताए मैंने। एक तो बैठेंगे जहाँ 31 मार्च से 25 अप्रैल तक, दूसरा 5वें भाव में दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि जो 7 जुलाई से 31 जुलाई, और सप्तम दृष्टि 25 अगस्त से 18 सितंबर, और राहु की देखिए नवम दृष्टि जो है 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक, जब 7वें भाव में शुक्र होंगे। तो शुक्र का 7वां भाव तो शुक्र का अपना ही भाव है। 7वें भाव में शुक्र जब बैठेंगे और राहु 11वें भाव में होंगे तो देखिए दाम्पत्य जीवन में बड़ा प्रगाढ़ता आएगी और व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी, पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा, बहुत जबरदस्त। तो वृषभ राशि के लिए भी, जो शुक्र की खुद की राशि है, मैं समझता हूँ ये जो टाइम है 31 मार्च से लेकर के और 7 नवंबर तक, जब जब राहु और शुक्र का मिलन होगा या राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, ये पूरा टाइम बहुत ही अच्छा बीतेगा। तो ये मेष राशि के बाद दूसरी राशि वृषभ राशि है शुक्र की, जो राहु का और शुक्र का फेवर पा रही है, और धन की कोई कमी नहीं होगी। धन, सुख, संतान को लाभ, दाम्पत्य जीवन अच्छा, सभी कुछ बढ़िया चल रहा है। तो मित्रों मैं अभी देखिए विराम लेता हूँ मैं तो। नमस्कार।